सिवान लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताने के लिए लगातार एनडीए के नेता जनता के बीच जाकर एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जाकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा सहित एनडीए गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पांडेपुर गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों ने मोदी जी के कार्यों को देखते हुए एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की बात कही। वहीं भाजपा विधायक करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने बताया कि विजय लक्ष्मी जी के नाम में ही विजय है, ठीक उसी प्रकार उनकी विजय पक्की है और आने वाले दिनों में केवल औपचारिकता ही बाकी है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। कहाँ कहाँ जनसंपर्क हो रहा है विधायक जी? अभी हम लोग जलालपुर होते हुए मांडेपुर पंचायत में आए हैं। ये गांव भी है, दुरौंदा विधान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रखंड भी दुरौंदा है। हम लोग जनसंपर्क में आए हैं। मेरे साथ इच्छित माननीय विधायक कर्णजीत बाबू हैं, उमा संघ जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं वो भी हैं, मनोज सिंह जी भी मेरे साथ हैं जो जदयू के प्रखंड के, उमेश सिंह जी दुरौंदा प्रखंड के जो प्रमुख हैं वो भी मेरे साथ घूम रहे हैं, और एनडीए के कई कार्यकर्ता नेता हम घूम रहे हैं। आज हम लोग जनसंपर्क में यहाँ आए हैं, जनता का व्यापक समर्थन है। हर समाज के लोग अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित हर समाज के लोगों का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। अब विधायक जी लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं समर्थन मिल रहा है, वहीं कह रही है कि हमें समर्थन मिल रहा है, निर्दलीय कह रही है हमें समर्थन मिल रहा है, मुद्दा क्या है आपका? सब लोग तो अपने अपने मुद्दे पर, कि आपका अपना मुद्दा क्या है? देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात है, अभी हाल ही में बीजेपी की तरफ से भी पत्र जारी हो गया है, उसमें गारंटी की बात भी नहीं गई है। एक तरह से कहिए गया तो एनडीए का ही मुद्दा है, हम लोग भी एनडीए के पार्टी हैं, चाहे जनता दल ही लो, राष्ट्रीय लोक माझी जी की पार्टी, सब कार्यक्रम है कि देश तरक्की करे, देश विकास करे। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, इसकी एकता पहले की अपेक्षा और ज़्यादा सुदृढ़ हुई, उसी इशू पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा क्या मुद्दा, मोदी की गारंटी आपका? तो भाई अलग क्या है, नीतीश कुमार, आखिर नीतीश कुमार की पार्टी आपकी जेडीयू है और उनका है, उनका विजन क्या है, मोदी जन अलग है? देखिए, मोदी जी और नीतीश जी में बहुत डिफरेंस है, मत खोजिए। बिहार को नीतीश जी चला रहे हैं और देश को मोदी जी चला रहे हैं, ठीक है? तो नीतीश जी का विकास तो बोलता है ना गाँव में। आज जितनी सड़कें दिखाई दे रही है, पहले सड़कों की क्या स्थिति थी 2005 के पहले, आज हर गांव पक्की सड़क से जुड़ गया है, हर जगह बिजली पहुंच गई है, कितने सामुदायिक भवन बने, पंचायत भवन बने, तो विकास तो इसी को न कहते हैं। और दूसरा विकास के इशू क्या हो सकता है? जहाँ तक जिले की बात है, आप देखिए, इसी बिहार सरकार ने कॉलेज बनाई है, केंद्र और राज्य के सहयोग से सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इतना काम हो रहा है विकास का, फिर भी आप लोगों को विकास नहीं दिखता। असल में विकास उन लोगों को नहीं दिखता है जो 2005 के पहले लाना चाहते हैं, उन्हें विकास नहीं दिखता। बाकी यहाँ विकास दिखता है कि जो भी किस्म के लोग हैं, तीन लोग हैं, कौन लोग हैं, वो तो सिर्फ विकास दिखता है। लेकिन वैसे फिर राज चाहते बिजली पास की उनको कोई नहीं है और की जरूरत नहीं है, वैसे ना विकास कभी दिखा है ना आगे कभी विकास दिखे। लालटेन राज वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लालटेन राज्य के वाले लोगों के लिए जनता से पूछ लीजिए, मैं क्या कहूँगा, जनता ही इसका जवाब है।
जी विधायक रमेश कुशवाहा विजयलक्ष्मी कुशवाहा मैदान में लगातार जनसंघ क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है, बीजी का सीमता जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप मान चुकी है, चुका है उनका विजय लक्ष्मी। उनका विजय तो केवल औपचारिकता है, घोषणा बाकी है, औपचारिकता बाकी है। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। विजय लक्ष्मी जी का जीत जो है श्योर है, 100% नहीं, 1000% नहीं, उसको मत कहिए, 100% कहिए कि हम लोग आश्वस्त हैं। सीमान की जनता जो है जीत मान चुकी है, सीमान की जनता उनको अपने हृदय में बसा चुकी है। राजद की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर 400 के पार होती है तो संविधान को बीजेपी के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। पता नहीं कई लोग हैं, हर बार जो है, हर बार, हर समय, हर शासनकाल में हमको लगता है कि हर वित्तीय वर्ष में कहीं ना कहीं जो हर सेशन में कहिए, हर सेशन में इसमें संशोधन होता है, सुधार होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो, जदयू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लोजपा की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो। तो ये लोग तो पता नहीं कि संविधान सुने हैं केवल कि संविधान के बारे में लेते हैं, देश चलाने का नियत और नीति इन लोग का क्या है, इन लोग अज्ञान करते हैं हमेशा। क्या लगता है जो है सुनिश्चित है कोई किंतु जो है तीसरे नंबर है, नंबर वन के लिए कोई नहीं लड़ रहा, सेकेंड और थर्ड की लड़ाई लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक सवाल है, जीवन यादव जो निर्दलीय मैदान में वो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, अब 401 पार, उनका भी एक जोड़ लीजिए सिवान से, इसके क्या कहेंगे? अब देखिए, कहने का मतलब है कि भाजपा तो भी लड़ रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, भाजपा के नाम पे कोई लड़ रहा है, कोई भाजपा का प्रत्याशी है, दोनों में अंतर होता है। बाकी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं कौन किसके नाम पे लड़ रहा है, नाम से क्या मतलब है। जो भाजपा पर जो मोदी जी के परिवार का है उस पर हम लोग उसके साथ हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कौन से सबसे लक्ष्मी जी के साथ है? बस लक्ष्मी जी के साथ कहाँ है, लक्ष्मी जी के साथ है कोई, हमको अच्छा लगा। तो और लोग भी तो लेडीज है, और लोग है तो वो अलग बात है, मगर हमको अच्छा लगे। और विधायक जी है, बहुत सारा काम भवन दिए है, बहुत सारा काम किए हैं, इसलिए तो ये पांडेपुर पंचायत से विजय लक्ष्मी को कुशवाहा जीत रही है। बिल्कुल, हम लोग को पूरा विश्वास है, लोग साथ है, हम लोग एकदम तन मन से पूरा अपना जान भी देंगे। अच्छा, जाने मन हर चीज से जैसे कुछ भी करने पर मगर हम देंगे वोट। ठीक, नाम जी के पति आए हैं, विधायक जी कंजीत जी आए हुए हैं वोट मांगने के लिए, क्या लग रहा है इस बार वोट आप लोग देंगे उनको? हम लोग तो बराबर देते हैं, अभी भी देंगे। किसको देंगे? बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी को आप लोग दे रहे हैं? जी सर। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई हैं? जी सर। तो उन्हीं के माध्यम से ना आई हैं, तो उन्हीं को ना वोट देना है हमको। अच्छा जी, क्या लग रहा है मोदी जी के 400 के पार, तो आप लोग को विजय सुहा जी को भेजिए? हम लोग तो सहयोग है, 400 से पार हो भी सकता है, लेकिन पक्का है कि सरकार बनेगा। तो बीजेपी को क्यों दीजिए? क्यों, बीजेपी हमारे साथ है, हमारे विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए दे रहे हैं हम लोग। बीजेपी विकास हो रहा है, बीजेपी के राज्य ये रहा है सर, मोदी जी विकास कर रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में बनी है, हेना साहब बनी के वोट देंगे? विजय लक्ष्मी जी के कहाँ है काय, तो हम लोग को अच्छी लगी। हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि एक बार आपसे पूछेंगे। हाँ, हम लोग चाहते हैं उनको जिताने के लिए, लेडीज लेडीज को वोट देंगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट भी मैदान में होया तो क्या हुआ, हम लोग इनको सपोर्ट में देंगे। मैंने कहा है मोदी जी, हम लोग को अच्छा लगा, मोदी जी तो आई जाएगा के वोट दिया? जनता पार्टी को, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, किया है, इसलिए मोदी सरकार आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हर घर नेता सब कार्यों पर उनका ध्यान है, पब्लिक पर ध्यान है, बढ़ोतरी है, इसलिए हम लोगों का ध्यान है जनता पार्टी मोदी जी को लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो बिल्कुल आना ही। हाँ, वो भी हम कहे थे जाइएगा तो जीत गए वहाँ पर, अभी तो भी जीतेंगे, अभी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। हाँ हाँ, मोदी जी की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा उतारी गई, बिल्कुल सही। ठीक, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीतेंगे। हाँ हाँ, नाम बता दिए, नंद कुमार तिवारी।
पर वोट देंगे, कमल छाप पर वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा हमारा प्रतिनिधि है, हमारे देश का विकास कर रहा है, हमारे जन समुदाय का विकास कर रहा है, ग्राम का विकास कर रहा है, गरीब दुखों का काम कर रहा है, शिक्षा विभाग में भी अच्छा ही है, विदेश मंत्रालय भी हमारा अच्छा है, तो हम लोग क्यों इनको छोड़ेंगे? मोदी जी को वोट, हाँ मोदी जी को वोट देंगे, चाहे जिस स्तर पर हो जैसे हो, हम लोग मोदी जी को समर्थन करेंगे। मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी विश्व प्रसिद्ध है, हमारे देश के लिए जी है, सब भाग्य से नेता न मिला है न ऐसा विकास जी, तो हमारे देश में इतना विकास, देश की विकास छोड़िए सिवा हुआ विकास नहीं भी हमारे हुआ है, प्रत्येक सड़क हमारा पिच बन गया, हाँ समुदाय बन गया, जो जरूरी है कहीं कहीं कर्ज बाकी हो, एक बार तो इतना पैसा सरकार के पास कि खजाना दो लोग भी फील्ड रमेश कुशवाहा है, तो फील्ड में बैठे हैं, फील्ड में जो बाइज उन लोगों को पसंद नहीं, आचरण उन लोगों को पसंद नहीं, रमेश कुशवाहा की पत्नी का आचरण पसंद है, हाँ पसंद है मोदी।